हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में टॉपिक करेंगे अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि उनके पास ये पिछले साल या उससे पहले प्रीवियस ईयर्स में ये टॉपिक आया था, क्वेश्चन आया था 16 मार्क्स में, कईयों के पास 10 से 15 मार्क्स में। तो मगर आप सिलेबस देखोगे तो ये टॉपिक आपको डायरेक्टली कहीं सिलेबस में नहीं दिखेगा, इसलिए समवेयर ये मैंने छोड़ दिया था या मुझे पता ही नहीं था, सही कहूँ तो चलो आज डिस्कस करते हैं कि अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन का यार बेसिकली मीनिंग क्या है, क्या ये मतलब चीज लाया था कंप्यूटर ग्राफिक्स में। अफाइन का मतलब अगर आप सर्च करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसका मीनिंग आता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर शोध करना। शोध करने का मतलब क्या होता है, कुछ उसके ऊपर वर्क करना या रिसर्च करना या कुछ भी काम करना, जिसको हम क्या कहते हैं, अफाइन। ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता ही है, जो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में देख चुके हैं, जिसका मीनिंग क्या कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, कि डूइंग समथिंग टू एवरी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है उसके ऊपर कुछ करना, ठीक है जी। अब देखो आगे, जिसका मीनिंग क्या होता है कि हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब क्या है, उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, जो लाइंस हैं, और वो किस प्लेन पे है। प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन पे है, एक्स माइनस वाई प्लेन पे है, ये जो हमने प्लेन्स देखे हैं उसमें है। तो उन प्लेन्स, उन पॉइंट्स, उन लाइंस के ऊपर हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाते हैं, जिसके बाद क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लगाने के बाद हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिलता है। यही चीज़ थी। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी, अफाइन का मीनिंग देखा, अब दोनों को कंबाइन करते हैं। अब हमें चीज क्या मिलती है, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करता है कि भाई कैसे आप लाइन को, पॉइंट्स को एंड प्लेन्स को अलाउ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। भाई मैंने ट्रांसफॉर्म तो कर रहा हूँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के पॉइंट के ऊपर, लाइन के ऊपर या उसके प्लेन के ऊपर, बट अफाइन कहता है कि भाई अगर आपको मेरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप क्या कहलाओगे कि हाँ आप अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक टाइप है। कैसे, अब एग्जांपल देखेंगे तब आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। पहले थोड़े से पॉइंट समझ लेते हैं। तो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको क्या कहा कि वो एक कहता है कि भाई वो एक तरीके के रूल्स बता रहा है, एक तरीके के पॉइंट्स बता रहा है कि अगर आपको अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आप पॉइंट्स, लाइन और प्लेन के ऊपर कोई ऐसी ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं लगा सकते, आपको कुछ इस तरीके की पर्टिकुलर मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, जिसके बाद वो क्या कहलाएगी, हाँ वो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन है। अब वो देखते हैं कि क्या पॉइंट्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, जिसके बेस पर हम क्या कहेंगे, हाँ ये अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रही है। देखो पहला कहता है कि जो भी आप इसके ऊपर मैथमेटिकल को भी कैलकुलेशन कराओगे उसमें कौन सी प्रॉपर्टी प्रिजर्व होनी चाहिए। देखो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर्टी प्रिजर्व होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी देगा वो क्या है, एक कोलिनियरिटी। मतलब एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई रेक्टेंगल या कुछ भी ले लीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या लिखा है, कोलिनियरिटी बिटवीन पॉइंट्स इज प्रिजर्व, जिसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक लाइन ले लेते हैं, ये पॉइंट हो गया, इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स है। अब वो क्या कहता है कि भाई आप इसके ऊपर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, यानी जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, जो भी करोगे, जो भी हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा इसके बाद, मान लेते हैं कि मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिला, मान लेते हैं ठीक है एक सेकंड के लिए, तो क्या चीज़ होगी कि भाई जो ये पॉइंट थे, जो भी पी के ओ आर मान लेते हैं, वो इस लाइन पे होने चाहिए, ये नहीं कि ये पॉइंट ही आप गायब कर दो। तो कोलिनियरिटी मतलब ये पॉइंट्स जितने भी होंगे वो वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, और लीनियरिटी में मतलब लाइन पे है तो सीधी सी बात है एक ही लाइन पे होने चाहिए, अगर लाइन पे जाएंगे तो कोलिनियरिटी अपने आप आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो पहली चीज कोलिनियरिटी, जिसका मतलब क्या, याद रखना कि जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करने वाले हैं तो वो चीज़ हमें ये मिलनी चाहिए उस कैलकुलेशन के बाद। ओके, देन आता है पैरेललिज्म। अब वो कहता है कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया, कैलकुलेशन करी, तो जो भी लाइन पहले ऑब्जेक्ट की पैरेलल थी अगर,
तो वो बाद में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी पैरेलल ही होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने उसको एक ट्रायंगल सपोज कर लो ये था और आपने उठा के क्या किया एक ट्रायंगल बना दिया या कुछ ऐसी चीज दे दी, ये चीज पैरेलल थी तो आपने कुछ ऐसे बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लाइन पैरेलल है वो लाइन शेप ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पैरेलल ही लेनी चाहिए, मतलब पैरेलल लाइंस रिमेन पैरेलल। जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, मतलब जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे उसके बाद जो पैरेलल लाइन थी वो पैरेलल लेनी चाहिए। दो चीजें आ गई। अगला पॉइंट क्या कहता है फाइन ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज में, लाइंस मैप्स टू लाइंस, मतलब कि भाई जो लाइन होगी वो लाइन को ही मैप करेगी। क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास एक लाइन है तो ऐसा नहीं है कि उठ के वो कुछ बाद में चेंज होके सर्कल या कुछ सेमी सर्कल या कुछ ऐसी शेप बन जाए, नहीं, लाइन हमेशा ट्रांसफॉर्म होके लाइन ही रहेगी, वो कुछ और नहीं बन सकती। क्लियर हुआ? तो लाइन मैप्स लाइंस, मतलब लाइन को जो उठा के मैप करवाएंगे चेक करवाएंगे वो लाइन ही होनी चाहिए बाद में ट्रांसफॉर्म होने के बाद। क्लियर हुई चीज? अगला पॉइंट देखते हैं, प्रिजर्व रेशियोज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स लाइंग ऑन लाइंस। अब इसका मीनिंग मैंने भी बुक में कई बुक में तो नहीं था, कई वेबसाइट पे देखा, तो वो क्या कहते हैं कि प्रिजर्व रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स लाइंग ऑन लाइंस, जो क्या कहता है कि मान लो चलो ये एक पी, एक सेकेंड, मान लेते हैं कि ये लाइन है पी क्यू आर एस टी, ओके। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट चेंज होके जैसे भी मर्जी मैंने बनाया, ये कुछ ऐसा हो गया, ओके, क्लियर हुआ? अब मेरे पास ये पॉइंट पी क्यू आर एस टी है, तो ये क्या कहता है, इनके बीच का रेशियो जो है, पहले जो था चेंज होने के बाद जो रेशियो है वो प्रिजर्व होना चाहिए, मतलब कि उनका रेशियो हमेशा सेम आना चाहिए। और एक दूसरा पॉइंट भी बता दूं कि दूसरी वेबसाइट क्या कहती है, जहां से मैंने इसको पढ़ा था, वो ये कहती है कि इसका मीनिंग क्या है कि जो भी पॉइंट इस पे लाइक कर रहे हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि उठ के कहीं और चले गए, जो हमने कोलिनैरिटी में भी देखा। दूसरी चीज वो क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स है, ध्यान से समझना, ये हमें सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए है, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये बताता है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से समझूं तो ये इस डायरेक्शन में जा रहे, चेंज होके भी वो उसी डायरेक्शन में ही रहेंगे। डायरेक्शन का मतलब ये नहीं साउथ ईस्ट वेस्ट, जिस भी जैसे भी हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, बट ये चेंज नहीं होंगे, पी क्यों इधर नहीं हो जाएगा, क्यों उधर नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। डायरेक्शन एक तरीके से एक डायरेक्शन में ही रहेगी, ओके, इन पॉइंट्स की। देन मेरे पास एक पॉइंट आता है इसके अंदर, बट नॉट एंगल्स बिटवीन लाइंस नेसेसरी, मतलब कि जरूरी नहीं है कि जो शेप हमने दी है उसके बाद हमारे पास जो एंगल्स है वो भी हमेशा प्रिजर्व रहे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई चीजें हम देखेंगे कि जहां पे ये चीज फॉलो नहीं करती। तो अभी एग्जांपल लूंगा मैं आपको, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या मतलब क्या था, कि हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद एक पुराने ऑब्जेक्ट पे कैलकुलेशन करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यही चीज थी। देन अफाइन ने बताया कि भाई जो तुम मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा रहे हो उसके बाद कुछ ये प्रॉपर्टी अगर रहेगी तो मैं क्या कहूंगा कि हाँ ये एक अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन है। कोलिनैरिटी होनी चाहिए, पैरेललिज्म आना चाहिए, लाइंस हमेशा लाइंस में ही कन्वर्ट होएगी, रेशियो उनके पॉइंट्स के बीच का लाइन के ऊपर सेम रहेगा चेंज होने के बाद, और एंगल जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रिजर्व रहे। तो एग्जांपल के तौर पे ट्रांसलेशन जो हमने पढ़ी थी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, स्केलिंग, होमोथेटी, अभी बताऊंगा होमोथेटी का एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, शेप पता चल जाएगी, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, शेयर, कंपोजिशन क्या था, दो या तीन हम क्या करते थे ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स करके फिर ये बनती थी, जिसमें हमने होमोजीनियस कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट भी देखा था आगे जाके, तो ये चीज़ होगी। होमोथेटी में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ इस टाइप की शेप होती है 3D में आपके पास, इस तरीके की लगा लीजिए, ऐसे कुछ होगी, तो जिसमें क्या होगा, इसको हम स्ट्रेच करते जाएंगे तो क्या होगा, सेंटर पॉइंट सेंटर पे रहता है और वो चीज़ इंक्रीज होती रहती है, तो वो भी हमारी एक तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन है, बट कंप्यूटर ग्राफिक्स में नहीं थी, जहाँ से मैंने नोट्स लिए वहाँ पे था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल पर चलते हैं ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं।
जितने भी देखो जिसने भी मुझे रिक्वेस्ट की थी उसने कहा था हन एंड बेकर के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है और 8 या 10 लाइन के अंदर कवर कर दिया गया। वहाँ पे आपने एक छोटी सी इक्वेशन पढ़ी होगी, 1 या 2 इक्वेशन थी जो दिखने में तो बड़ी आसान है बट आप जब इसको पढ़ना शुरू करोगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, जहाँ से भी मुझे नोट्स मिले मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन के नीचे, उसको कर लीजिएगा। उस इक्वेशन से ज़्यादा मुश्किल इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, बट जितनी मुश्किल वो हन एंड बेकर वाली समझने में है ना, ये उससे कहीं ज़्यादा इजी और आपके सारे डाउट एक ही बार में क्लियर कर देगी। समझो कैसे, जैसे कि इसने एग्जांपल लिया कि अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन हम एक 2D ऑब्जेक्ट के अंदर करते हैं, ठीक है जी। देन 2D के अंदर इसने क्या कहा, सपोज कर लो कोई भी हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है XY, ओके। देन वो क्या कहता है कि अगर मैं इसके ऊपर उस पॉइंट के ऊपर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे बोली गई कि आपको अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, देन वो कहता है कि जो मेरे पास उस अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की जनरल इक्वेशन, याद रखना एक जनरल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, आएगी वो क्या होगी, ये पुराना पॉइंट क्या था पी, नया पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, सही कहे तो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद क्या बन गया पी डैश, जिसकी उसने मुझे क्या इक्वेशन दी, ax प्लस by प्लस c dx e प्लस ey प्लस f, ये x के लिए ये y के लिए, क्लियर हुआ, ये जनरल इक्वेशन है, इसको याद कर लो एक सेकंड के लिए। अब ये जनरल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये है कि अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन हम जिस जिस में भी अप्लाई करते हैं, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, होमोथेरेपी, रिफ्लेक्शन, उस सारी इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं सिर्फ इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो कैसे, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। पहला देखो पॉइंट लिया मैंने, फॉर एग्जांपल मान लेते ए ई की वैल्यू है 1, ओके, और बी डी की वैल्यू है 0। ए और ई इसकी वैल्यू 1, बी और डी की वैल्यू क्या है 0। तो मेरे पास देखो क्या चीज कहता है कि वेयर ए थ्रू एफ आर स्केलर, मतलब ये जो ए बी सी डी ई एफ क्या है, ये हमारे क्या होते हैं आपको पता है, कोफिशियंट होते हैं, जो कि क्या है स्केलर। स्केलर का मतलब वैल्यूज देने वाले, एक होता है स्केलर एक होता है वेक्टर, वेक्टर डायरेक्शन देते हैं, स्केलर वैल्यूज देते हैं, यही चीज है इन इक्वेशन के अंदर, ए से लेके एफ तक सारे क्या है स्केलर यानी वैल्यूज। अब देखो इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कहा, पहली जो अप्लाई कर रहा हूँ वो कह रहा है कि ए ई को 1 कर दो और बी डी को 0 कर दो, तब हमारे पास कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में जिसको ध्यान हो बता दूं, हम क्या करते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के ऐसे ही मैंने कहीं पे रख दिया, जिसे मैंने क्या कहा ट्रांसलेशन, और कोई चीज़ चेंज नहीं करी, ना कोई शेप चेंज करी, ना कोई एंगल चेंज किया, जैसे था वैसे ही उठा के रख दिया, वो थी मेरी ट्रांसलेशन। इसकी इक्वेशन के अंदर अब आपको क्या करना है, सिंपली ए ई की वैल्यू 1 कर देना, बी डी की वैल्यू 0 कर देना, आपके पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी ट्रांसलेशन की, चेक कर लेना मेरी वीडियोस में, वो इक्वेशन ये इक्वेशन मैच कर जाएगी। डायग्राम पे आते हैं, 1 किसके लिए, ट्रांसलेशन के, उसका डायग्राम देख लो। अब पॉइंट था मेरे पास पी, पुराने वाला जिसके कोऑर्डिनेट है XY, क्लियर, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म नहीं बोलूंगा अफाइन ट्रांसफॉर्म बोलूंगा, इस पॉइंट को उठाया मैंने, उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है जी। नया पॉइंट क्या हो गया पी डैश, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए X-Y-, यही हुए। अब देखो यहाँ से इस डायरेक्शन में कितना गया मैं, ये मेरे लिए C और ये मेरे लिए क्या हो गया F, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू A की और E की वैल्यू 1 कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा X और यहाँ पे क्या बचेगा Y, देखो X और Y, यहाँ पे B की वैल्यू मैंने क्या करी 0 तो ये हट गया, D की वैल्यू 0 करी तो यहाँ से X हट गया पूरा, क्या इक्वेशन मिली मेरे को आखिरी में ये, और ये इक्वेशन क्या होती है आपकी ट्रांसलेशन की, अगर आपको ध्यान हो जो मैंने P डैश इक्वल टू P प्लस T, T क्या था जो हमने ट्रांसलेशन डिस्टेंस लिया, X डायरेक्शन में मैं C तक गया और Y डायरेक्शन में मैं F तक गया, वो एडअप हो गए, ये ट्रांसलेशन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन से ट्रांसलेशन की इक्वेशन आ गई, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं दूसरे पे, अगर मैं बी डी सी एफ की वैल्यू 0 कर दूं, इन चार कोफिशेंट की वैल्यू 0 कर दूं तो मेरे पास किसकी इक्वेशन बन जाएगी, अब कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी स्केलिंग, यहां पे सारी की आप 0 कर दो बी डी सी एफ की, बी डी
सी एफ, तो क्या बचेगा ए एक्स, ओके, और नीचे क्या बचेगा ई वाई। यही इक्वेशन आपकी क्या होती है हमारे पास स्केलिंग की, मतलब एक ऑब्जेक्ट को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ या उसको कंप्रेस कर रहा हूँ, ये क्या होती है हमारी स्केलिंग। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, या तो मैं इसको खींच के बड़ा कर सकता हूँ या छोटा कर सकता हूँ, ये क्या हो जाते हैं मेरे स्केलिंग के अंदर, यही चीज़ होती है। आगे जी जनरल इक्वेशन से मेरी स्केलिंग की इक्वेशन तीसरे पे चलो। कहता अब इस इक्वेशन के अंदर आप ए ई की वैल्यू कोस थीटा, बी की वैल्यू माइनस साइन थीटा, डी की वैल्यू साइन थीटा और सी एफ की वैल्यू जीरो करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस में एक्स वाई कोस थीटा। ये किसकी इक्वेशन होती है भाई, ये हमारी होती है रोटेशन की। मेरा पॉइंट इसमें हमने क्या लिया, ओरिजिन से लिया, याद रखना ओरिजिन से मेरा पॉइंट पहले कहाँ था पी पे, उसको मैंने थीटा एंगल रोटेट कराया, जिसका मतलब क्या हुआ रोटेशन दी, जिसके बाद मैंने ये वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में पुट की तो मेरे पास क्या चीज़ आ गई कि ओरिजिन के बेस पे मैंने जो पॉइंट को रोटेट कराया उसकी मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू आ गई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। आए जी नेक्स्ट देखते हैं चौथा, अगर ए ई की वैल्यू वन कर दे और सी एफ की वैल्यू मैं क्या कर दूँ जीरो, तो मेरे को शेयरिंग मिलेगी। शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या था इसके अंदर आपको ध्यान हो, वहाँ पे क्या होता था कि चीज को टिल्ट कर देना, टिल्ट का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देना बस और कुछ नहीं। मेरा पॉइंट यहाँ पे था, ये देखो यहाँ पे क्या है जीरो ओरिजिन पे पड़ा है, ये पॉइंट को उठा के मैं क्या कर रहा हूँ आगे टिल्ट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है दोनों चीज़ें लग जाती है। यहाँ पे मेरे पास अगर इनकी वैल्यू को इसमें डालोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी एक्स प्लस बी वाई वाई प्लस में ए एक्स, ये हमारी क्या होती है शियर की इक्वेशन। इसको आप देख लीजिएगा, जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, डायग्राम अच्छे से पढ़ सकते हो, यहाँ पे समझ लीजिए कि ये चीज़ हो क्या रही है। तो जनरल इक्वेशन से मेरे पास चीज़ें क्या आ गई, ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन आने लग गई, क्लियर हुई चीज़। तो फाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्लियर हुआ क्या था, वो बताता था कि जो भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाओगे किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में तो उसके बाद ये प्रॉपर्टीज प्रिजर्व होनी चाहिए, उसमें रहनी चाहिए, तभी मैं क्या कहूँगा ये फाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ओके दो पॉइंट अब थोड़े से समझना ध्यान से, काफ़ी ज़रूरी है, आपको उसमें भी नहीं मिलेंगे आई थिंक हनन बेकर में। हमने ये तो कर ली बट इसका यूज़ कहाँ पे आता है, देखो इसका यूज़ क्या आता है कि यूज़ टू करेक्ट ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन। इसमें आप देखोगे कि जो सैटेलाइट के थ्रू हम जो इमेजेस ली जाती है वो काफ़ी डिस्टोर्ट हो जाती है, डिस्टोर्ट का मतलब पिक्चर काफ़ी फट जाती है, कोई चीज़ हमें इतनी क्लियर नहीं दिखती। वहाँ पे हम क्या करते हैं अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उससे क्या होता है कि हमें उस पिक्चर की एक जो ओरिजिनलिटी होनी चाहिए थी वो मिल जाती है, वो थोड़ी सी कवर हो जाती है, थोड़ी सी जो पिक्चर फट के आ रही होती है तो वो हमें थोड़ी सी सही मिल जाती है। ये हमारा मेन इसका मकसद था अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन का, कि जहाँ पे भी सैटेलाइट के थ्रू हमें इमेजेस फट जाती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन का टूल यूज़ करते हैं और उसके बाद हमें थोड़ी सी शेप सही मिल जाती है। ठीक है, ये एक तो चीज़ ये क्लियर हुई। दूसरा पॉइंट और इसके अंदर क्या है, प्रिजर्व कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टीज इन बीजियर कर्व। अब मैं नहीं जानता कि आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो आपने कर्व के कॉन्सेप्ट करे या नहीं करे, बट जिसने बीजियर कर्व के बाद ये वीडियो देखी तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। कर्व के अंदर क्या चीजें होती है, हमने कर्व के अंदर क्या देखा था, कुछ पॉइंट्स लेते हैं और हम ये देखते हैं कि कैसे भी इसको कैसे मूव करेगा, कैसे क्या चीज बनेगी, यही होता है। तो यहाँ पे हम एक कॉन्वेक्स हल बनाते हैं, उसका कॉन्वेक्स हल का मतलब होता है कि इस एरिया के अंदर जितने भी पॉइंट है वो प्रिजर्व रहेंगे, ऐसा नहीं कि इसके अंदर जो शेप चेंज हो गई तो ये पॉइंट कहीं और फैल जाएंगे, नहीं, जो भी चीज़ होगी जो कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे वो प्रिजर्व रहेंगे, वो जाएंगे नहीं। बट हम यहाँ पे अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इसके बेस पे नहीं लगा सकते, याद रखना मैं ये नहीं कह रहा, पॉइंट को ध्यान से समझो कि मैंने एक कर्व के ऊपर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी कर्व के ऊपर तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी जरूर मेंटेन रहेगी, वो क्या होगी उसका कॉन्वेक्स हल, वो कौन दे रहा होगा ये अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका मतलब क्या है जो भी पॉइंट्स कुछ पर्टिकुलर एरिया तक सेट के अंदर आ रहेंगे वो वहीं पे रहेंगे। भाई अब जिसने बीजियर कर्व कर रखा तो उसको ज़्यादा अच्छे से पता होगा,
बेजियर कर्व की वीडियो देख लेना, वहां पे ये चीज मैंने अच्छे से बताई हुई है कि कॉन्वेक्स हल बेसिकली में होता क्या है। ओके, तो आई होप आपको अब अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखो 15 या 16 मार्क्स में आपके पास आया है तो बहुत इनफ डेटा आपके पास लिखने के लिए, समझाने के लिए। और ये चार्ट डायग्राम आप डाल दोगे तो वैसे ही जो एग्जामिनर चेक करने वाला है वो तो वैसे ही सोच लेगा कि भाई हाँ, ये बच्चे को कुछ ना कुछ तो आता है। ठीक है, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही हनन बेकर को पढ़ के मत जाना, उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल चार पॉइंट दिए हैं बट एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। यहाँ से आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। कोशिश करना इस इक्वेशन से आप उसको समझाओ, अगर आपको हनन बेकर की इक्वेशन समझ में आती है तो अच्छी बात है। मुझे नहीं आई थी, मुझे समझाने में दिक्कत हो रही थी, मुझे ये डेटा मिला, मुझे सबसे बेस्ट लगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से करो, ये आपके पास है, इस जहाँ से भी मैंने इसका डेटा लिया जो भी मेरे पास होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ डाल दूंगा ताकि आप इसको और अच्छे से कर सको। क्लियर, तो जल्दी मिलेंगे और नई वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर बाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।